पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 9 लाख में पेंगुलिन के अंगों का सौदा करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा गैरसैंण में सत्र न करके भाजपा का दिखा पहाड़ विरोधी चेहरा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 3 तस्करों को नशे के इंजेक्शन और स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। पेंगुलिन के अंगों का 9 लाख रुपए में सौदा करने वाले एक आरोपी को वन विभाग तराई पश्चिमी की टीम ने पकड़ा है, साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि तराई केंद्र वन विभाग की एसओजी टीम ने 5 लोगों को पेंगुलिन के अंगों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। 5 आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि बन्नाखेड़ा निवासी लक्ष्मण सिंह ने पेंगुलिन के अंगों का 9 लाख रुपए में सौदा किया था। तराई पश्चिम वन विभाग के डीएफओ पीसी आर्य ने बताया कि लक्ष्मण सिंह के घर में दबिश देकर उसे पकड़ने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले बन्नाखेड़ा में खेत में आए पेंगुलिन को बच्चों ने पत्थर मार कर घायल कर दिया था, जिसके कुछ समय बाद पेंगुलिन की मौत हो गई थी। जिसके बाद आरोपी पेंगुलिन के 3 किलो अंगों को घर ले आया और बीते दिनों उसने अंगों का 9 लाख रुपए में सौदा किया था। पेंगुलिन जो कल तराई केंद्रीय वन प्रभाग के एसओजी की टीम द्वारा कुछ शिकारी पकड़े गए थे और उनके द्वारा एक नाम दिया गया था लक्ष्मण नाम का, जो कि हमारे पुलों के द्वारा कहा गया था कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के लगे हुए एक गांव है चनकपुर, वहां का रहने वाला है वो। तो जैसे ही इसका पता चला, रात को ही हमारी टीम द्वारा उनसे पूछताछ की गई, जो पकड़े गए अभी थे, और उनसे पूछताछ में ये पता चला, ये कंफर्म हुआ कि वो लक्ष्मण भी उसमें शामिल था उनके साथ में। तो रात को ही हमारी टीम द्वारा छापा मार करके उसको लक्ष्मण को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि आज के करीब लगभग 2 साल पहले ये पेंगुलिन एक उनके गाँव के नज़दीक आ गया था, जिसे कि गाँव के बच्चों द्वारा पत्थर से मारकर घायल कर दिया गया था। तो जब कुछ समय बाद ये लोगों को उसको एक वहाँ राजू शर्मा नाम के व्यक्ति थे, वो उसको सुरक्षित लेकर के जंगल में छोड़ के आए थे। हमारे वन विभाग के टीम को बुला करके उनकी टीम के साथ उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद देखा गया तो ये वो जो है उसकी घायल होने की वजह से बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो मृत्यु के बाद वो जंगल में वैसे ही रहा वो, और जब वो उसके बॉडी उसकी सड़ के खराब हो गई, ख़त्म हो गई, तो उसके बाद में उसकी जो सल्प पड़े हुए थे उसको ये लक्ष्मण नाम का व्यक्ति उठा करके ले आया था। तब से ये इसके पास थे और इसी जो पेंगुलिन स्केल का सौदा करने के लिए ये सारी डील हो रही थी, और ये इसको जो है वन विभाग की टीम के द्वारा सभी अभियुक्तों को पकड़ करके एक अच्छी कामयाबी पाई। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि गैरसैंण में सत्र न करके भाजपा का पहाड़ विरोधी चेहरा दिखा है। वहीं हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी के विस्थापित सैकड़ों परिवारों को एक बार फिर से विस्थापित करने का सरकारी निर्णय सही नहीं है। विधानसभा का ये सत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण, जनता के मन में, उत्तराखंड के मन में कई सवाल हॉल में बाल में अंकिता हत्याकांड, वो वीआईपी कौन, दूसरी तरफ विधानसभा भर्ती के कथित घोटाले को लेकर विभेदकारी निर्णय कि आपने अपनों को बचाने के लिए कुछों की बलि ले ली, तो ये सवाल भी उठेगा। भर्तियों में जो गड़बड़ियाँ हुई घोटाले में, और उसके आड़ में जो बच्चों की नियुक्तियों को रोका गया है और एक प्रकार से भर्तियों की प्रोसेस को रोक दिया गया है, बेरोजगार लड़कों की आशा को तोड़ा जा रहा है, तो वो सवाल भी उठेगा, सवाल भी सामने आएगा। किसानों की प्रतीक्षा गन्ने का खरीद मूल्य घोषित होने की उसका प्रश्न नहीं था। राज्य की सड़कें सब ध्वस्त पड़ी हुई है, खड्डा युक्त हो गई, राज्य के विकास की गति बाधित हो रही है, सवाल भी है। और स्थानीय सवाल भी है, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के आप फिर टिहरी के विस्थापितों को उजाड़ने का नोटिस दे रहे हैं, या बनाना चाहते हैं, आपके पास जंगल की तरफ बढ़ने का ऑप्शन है।
एसटीएफ और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 120 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में तस्कर ने अपना नाम बदन पाल बताया है। खुलासा करते हुए एसटीएफ सीओ सुमित पांडे ने बताया कि उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में स्मैक की तस्करी करने वाले बदन पाल को 120 ग्राम स्मैक के साथ एसटीएफ और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे उत्तराखंड में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान चल रहा है 2025 तक का। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ द्वारा और किच्छा पुलिस द्वारा की गई। हमारे कप्तान साहब एसएसपी एसटीएफ एंड एसएसपी उधम सिंह नगर जी के निर्देशानुसार एक बहुत बड़ी कार्रवाई कल हमने की है यहाँ पर, जिसमें लगभग 120 ग्राम स्मैक हमने पकड़ी। ये जो अभियुक्त हमने पकड़ा है ये स्मैक लेके आ रहा था बदायूं से, इसका नाम है मदन पाल और बदायूं से स्मैक लेके यहाँ तस्करी कर रहा था। राजपुताना बधेड़ी तिराहे पर अंडरपास स्वीकृत होने पर भाकियू किसान सेना के पदाधिकारियों ने खुशी का इजहार किया। किसान सेना के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद इरफान ने बताया कि राजपुताना बधेड़ी से खादर क्षेत्र में जाने वाले रास्ते पर अंडरपास न बनने से हर समय दुर्घटना होने का भय रहता था। करीब 60 गाँव के लोग यहाँ से होकर गुजरते हैं। हाईवे क्रॉस करते समय कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया की 19 नवम्बर को भाकियू किसान सेना के पदाधिकारियों ने टोल प्लाजा पर पंचायत की थी। इस दौरान शासन प्रशासन को ज्ञापन देकर राजपुताना बधेड़ी तिराहे पर फ्लाई ओवर बनाकर पास बनाने की मांग की गई थी। प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि हमने 19 तारीख यानी 19 नवंबर 2022 में टोल प्लाजा बादराबाद में एक पंचायत करी थी, जिसमें हमने 13 सूत्रें मांग की थी। उनमें से सबसे पहली हमारी मांग थी बढ़ेड़ी सल्फर अड्डे पे फ्लेवर, दूसरी मांग थी एमएसपी की गारंटी, तीसरी मांग थी किसानों का जल्द से जल्द गठन हो, और जो 60 साल से ऊपर के हमारे किसान भाई है उनके लिए 10,000 रुपये की पेंशन हो। इसी तरीके से हमारे बिजली विभाग का मामला था कि बिजली विभाग जो अर्जी फर्जी तरीके से छापामारी करते हैं, पहले बताते हैं भोले भाले किसानों को कि यहाँ कट लगा लो, कट भी खुद ही लगवाते हैं और फिर 2-4 महीने बाद उन पर जो है ना अर्जी फर्जी तरीके से छापामारी करते हैं और फिर लाखों के हिसाब में उन पर जुर्माना थोपा जाता है। तो इसमें ये भी था, हमारी सरकार से ये भी मांग थी कि इसको पे तुरंत रोक लगाया जाए और जो 2021 में जो फर्जी तरीके से मुकदमे बिजली के हो रखे हैं जितने भी मुकदमे हैं उनको तत्काल वापस लिया जाए। तो इसी तरीके से हमारी एक संगीपुर में आज तक 1947 से लेके पंचायत चकबंदी नहीं हुई संगीपुर पंचायत में, और वहीं एक रास्ता ऐसा है कि 1947 से लेके जो गढ़ी से मुकरपुर रास्ता आया आज उसकी पूरी हालत आज भी वही है, वही कंडीशन है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के मझोला में शुक्रवार को पिता अपने 23 वर्षीय पुत्र की सोते समय दिन दहाड़े घर पर कुल्हाड़ी से वार कर बेनामी से हत्या करके फरार हो गया। वहीं किसी काम से बाहर गई मां और बहन ने जब घर आकर खून से लथपथ बेटे को देखा तो उनके होश उड़ गए। वहीं मृतक को बचपन से पालने पोसने वाले मृतक के चाचा की तरफ से शनिवार को थाना खटीमा में दायर दी गई। दायर के मुताबिक थाना हाजा पर शनिवार को आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं इस मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पिता पुत्र में आए दिन अनबन होती रहती थी, जिसके चलते शराब के नशे में धुत पिता ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने पुत्र का बहरहमी से कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इस संदर्भ में आरोपी पिता को रविवार को पॉलीगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी खून से सने कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। झोला के प्रधान का पुलिस को फोन आया था कि यहाँ पे हर प्रसाद है तो इनके घर में एक जो उनका लड़का है वो मृत पड़ा है, तो ये कुछ संदिग्ध मामला होता है, हो सकता है। तो इसकी सूचना पर फिर हमारी कोतवाली खटीमा की पुलिस पहुँच गई, तो जब वहाँ पे निरीक्षण किया तो उसकी सर पे चोट के निशान थे, तो पिछले मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था जिस पे हमने उसको नागरिक चिकित्सालय में रखा और उसका पोस्टमार्टम करवाया। दिनांक 26 तारीख को इस लड़के के ताऊ श्री नेत्राम जी की तहरीर आई कि जो मेरा भतीजा है वो बचपन से मेरे साथ ही रहता था, लेकिन इसके अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, उनका आए दिन झगड़ा होता रहता था। तो जब हमने इस पर और ज़्यादा इंक्वायरी करी तो फिर इसमें ये क्लियर हुआ कि 25 तारीख को भी इन दोनों में झगड़ा हुआ था। 25 तारीख को लगभग 1:30 बजे के करीब ये जो इसके पिता हैं हर प्रसाद ये कहीं से शराब पी कर आए, तो इनकी अपने लड़के से झगड़ा हुआ जो मृतक है हरीश, तो उसी झगड़े में पहले
बेटा, उसके बाद फिर जब वो अपनी चारपाई पर लेट गया तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उनकी तहरीर के आधार पर हमने कोतवाली कटीमा में 302 के तहत अभी पंजीकृत कर दिया है और आज जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। रविवार को कोतवाली पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए दो अलग अलग मामलों में 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से नशे के इंजेक्शन और स्मैक बरामद करने में सफलता हासिल की है। कोतवाल अरुण कुमार सेरी ने बताया कि ब्लॉक रोड मोहल्ला खताड़ी निवासी मुरसलीन को हिरासत में लेते हुए तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 12 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही मोहल्ला ओट पड़ाव निवासी समीर और मोहल्ला खताड़ी निवासी आजम को हिरासत में लेने पर उनके कब्जे से स्मैक बरामद की गई है। देखिए, आज हमारे द्वारा जो है नगर पुलिस द्वारा मजबूर की सूचना पर 3 व्यक्ति को नशे के कारोबार में लिप्त होने पर पकड़ा गया है। इसमें एक व्यक्ति मुसलिम है, जिससे हमारे द्वारा नशे के 14 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इसके अलावा समीर और आजम दो व्यक्ति हैं जिनके भी कब्जे से हमारे द्वारा अवैध स्मैक बरामद हुए और इनके संबंध में हमारे द्वारा थराली के तहसील सभागार में रविवार को बधान पट्टी के 14 सियानों, देवराड़ा मंदिर समिति के अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नंदा देवी के डोली यात्रा पड़ावों में देवराड़ा को शामिल करने के साथ ही मां नंदा के देवराड़ा आगमन और पूर्ण विदाई के दौरान भव्य मेले का आयोजन करने पर मंथन किया गया। बैठक में मां नंदा के ननिहाल देवराड़ा में 6 महीने डोली प्रवास के बावजूद इसे यात्रा पड़ाव में शामिल नहीं किए जाने पर खेद प्रकट करते हुए एक कमेटी का गठन कर देवराड़ा को पड़ाव में शामिल करने के प्रयास की बात कही गई। कि नंदाग और बधान के लोगों ने आज तहसील में एक बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिस दिन भगवती का डोला देवराड़ा से सिद्धपीठ देवराड़ा से कुरूड़ के लिए प्रस्थान करेगा, उस दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। सारे लोग उस बैठक के संदर्भ में 30 तारीख को एक बैठक आहूत की गई है क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, उस बैठक में भी हम सब लोग जाएंगे और आगे उस मेले के आयोजन के भव्य आयोजन के लिए कैसा वो आयोजन किया जाए उस बैठक में निर्णय लिया जाए। और लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले कि माँ नंदा देवी सिद्धपीठ देवराड़ा में 6 महीना प्रवास करती है और उसके बावजूद भी माँ का ननिहाल देवराड़ा माना जाता है, जिसमें जब हमारी 2014 में बड़ी नंदा देवी राजजात हुई थी उस टाइम पे हमने बहुत अर्थक प्रयास किया, जो है कि तहसील स्तर की बधान स्तर की उसमें बैठकें बुलाई, सब लोगों से जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले उस संबंध में, लेकिन जो है कि आज तक वो पड़ाव में घोषित नहीं हो पाया, जो कि बहुत चिंतन का विषय आज तक है। इसी संबंध में आज सभी परगना बधान के लोग यहाँ पे आए हैं, हमने सब लोगों के पास अपनी बात रखी और सब लोगों का ये मानना है कि भाई देवराड़ा सिद्धपीठ पे जहाँ माँ नंदा का ननिहाल है और 6 महीना प्रवास करती है तो वहाँ पे जो है कि वो सिद्धपीठ देवराड़ा को मानचित्र में लाया जाए और उसको जो है कि उसको पड़ाव घोषित किया जाए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।